हक भाई जो हमारे फौजी भाई हैं वो 6 महीने में आते हैं, और वीर मर्द का भाई काम तो पेट तो जब भरेगा जब मैं करना पड़ेगा। एक रागनी बनाई के जब वो चौधरी साहब छुट्टी काट कर जान लग गया फौज में, नया नया ब्याह होया, आपस में पति और पत्नी के एक फौज के बारे में कैसे क्या सवाल जवाब हुए, आकर वो फौजी कैसे समझाता है अपनी औरत को गृहस्थी में काम आने की रागनी कैसे क्या लिखे। हले हले ऐसा है भगवान जी पिया जी, हमारे देसी भाषा में औरत को भगवान बोलते हैं। भगवान मेरी छुट्टी के दिन पूरे हो गए हैं और मैंने अपने रक्षा के लिए बॉर्डर पर जाना पड़ेगा। पिया जी वो तो बात ठीक है आपकी, पर आप ये बताइए अभी अभी तो आपकी मेरी नई नई शादी हुई है और आपको मेरे पास 4 रोज भी नहीं हुए रुके हुए, और आप इतनी जल्दी मुझे छोड़ के जाने की बात कर रहे हो। आपको पता है आप चले गए तो आपके बिना मेरा मन नहीं लगेगा। ऐसा है इस पेट की खातर कुछ कमाना पड़ेगा, हम भारत की रक्षा करने के लिए जा रहे हैं और 6 महीने में मेरी छुट्टी खत्म हो जाएगी, जो मेरा छुट्टी हो जाएगी मैं जब आपके पास आ जाऊंगा, लेकिन अगर 6 महीने के बाद मुझे छुट्टी नहीं मिली तो मैं चिट्ठी घेर के अपने दोहरे बुला लूंगा। और ना आया तू फिर के करूं मैं बस चिट्ठी घेर के बुला लूंगा अपने दोहरे, ना तू आवे और ना तेरी चिट्ठी आवे। देख रहे वीर मर्द तो, सुन मेरी बात, वीर मर्द नू लड़िया करे, सुन मेरी बात, मन ड्यूटी पर जाना या कुकरा का घेर रही है। जब भी मैं कह रही हूँ ड्यूटी पे मत जा, एक बात बता, इस पेट की खातर कमावा, सच्ची बताओ इतनी सुंदर वीरवाणी ने कोई छोड़ के जावे है? नहीं जाता ना ताऊ, देख नहीं जाता, दे बरांडा होगा तो मैं क्या कह सकूं हूं, ना तो जाना भी पड़ जी ताऊ, ताई है हैं ओ तभी काचे काट रहा है तू, ये ना कहे बता हमने, मैं पिया जी मैं यूं कहना चाह रही हूं कि आप मुझे छोड़ के मत जाओ भाई, ड्यूटी ने छोड़ दिया तो माफी चाहो कलाकार महोदय, हमारे बीच में हमारे काउंसलर साहब पवन जीत शौकीन जी हमारे बीच में पहुंचे हैं, उनका हार्दिक अभिनंदन मैं अनुरोध करूंगा कि वो मंच पर आए और भाई सुमित शौकीन जी को आशीर्वाद प्रदान करें, और आपका आने पर इस प्रांगण में भव्य स्वागत है पवन जीत काउंसलर। कलाकार महोदय एक बात याद आ गई थारी बात पे जी, इतनी बड़ी आपने प्रोग्राम और इतना सुचारू रूप से चलाया भाई, एक ये आरसी उपाध्याय जी जैसी सूत्री बहु आ गई, एक भाई का गड़ी सूत्री, जब ही कह रही हूँ मत जाना तो तेरी बहू नहीं खोस लेगा फिर ले लिया बाबा जी का ठुल्लू। नवीन शौकीन जी हमारे बीच में पहुंचे, उनका भी स्वागत है। तो जगदीश कात्यान जी हमारे बीच में, भाई का स्वागत है, सुमित जी को आशीर्वाद देने पहुंचे हैं बार बार पुनः धन्यवाद करते हुए। तो मैं नु कहूं था भाई बीच में अग इतनी सुधरी बहू आगी भाई, एक भाई का, अरे भाई वो बहुत राज्य हो रहा, अरे भाई सारा दिन नाचा नाचा वंड है और सांझ नहीं मिला, उड़ा पहुंच गया अपने ठिकाने पे उनका जी ना लागे। मैं बोला तने के कहूं, बोली के, अरे बोला तने के कहूं, वो सुधरी इतनी हो बार बार एक के बात को, बोला तने के कहूं, तड़ाऊगा बाबू बैठा था, बोले रहे वो छोरे सारी रात काट देगा ही ना माँ का देर तड़ा आ जा। धन्यवाद करते हैं, ये चुटकुले हरियाणा में ऐसे ही बन जाते हैं। तो ये कैसे जब वो छुट्टी काट के जान लग गया, बच्चों एक बार आप नीचे बैठो, नीचे बैठो, बच्चे नीचे नीचे बैठो, और कोई भी शरारत नहीं करेगा और आप भी पीछे होकर बैठ, सारी व्यवस्था बिगाड़ रखी है, आप लोग भी प्लीज बैठ जाओ, बैठ जाओ, कैसे तारी गिन के बताओगे, बैठ जाओ आराम से, बैठ जाओ ना फौज में ले जाएगा, पीछे वालों आप भी बैठ जाओ, हाथ जोड़ के विनती है, झोली फैलाकर आपसे भीख मांग रहे हैं कि प्रोग्राम की व्यवस्था मत बिगाड़िए, प्रोग्राम 10-20 मिनट और आध पौन घंटा चल रहा है, चलने दीजिए, ऐसे व्यवस्था मत बिगाड़िए, नीचे बैठ जाइए। मैं ये कह रही हूँ प्या जी, हाँ जी, आप मुझे छोड़ के मत जाओ। देख भाई ना, मैं छोड़ के तो नहीं जाना चाहता,
आपको इस देश की रक्षा करनी पड़ेगी, इस पेट की खातर कमाना पड़े है, नौकरी तो करनी पड़ेगी। पियाजी नौकरी छोड़ दो ये या बुढ़े पहले क्या करते, अगर नौकरी का करना है सीखे नहीं सर, ब्याह करवा के देख लो जी ने देखी जेल नहीं है, ब्याह हो पक्ष है मानस गिर जाता है, जाना पड़ेगा मैंने छुट्टी काट के। पर लेकिन छह महीने में आ लूंगा, नहीं आया तो चिट्ठी करके दोरा बुला। पियाजी मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। पहले मेरी बात सुनना, कुछ कह दो। गृहस्थी में सुनने की, जब आप ही मुझे छोड़ के चले जाओगे तो इस पैसे का मैं क्या करूंगी, मुझे नहीं चाहिए पैसा। एक वीर मर्द की क्या बात होती है, जो नया नया शादी भी होती है, नया नया जोड़ा होता है, और कैसे वीर मर्द क्या बातें करते हैं। सारी बात चौधरी मेहर सिंह ने बात कह दी, लिफाफे में भी रख दी, कैसे बिल्कुल हंगा लाकर देसी बात आपके। देखो जब छुट्टी काट के नया फौजी जागा, क्यों कर वीर मर्द के कैसे सवाल जवाब सवाल लिखे हैं। नोई रो में ना ताऊ, नोई रोती है ना, नोई रोती है ना, हां नोई रोती है, क्यों करती है ताऊ का करण करण हुआ है। सुन लो कैसे, हेरे इसी रकम की चाहना कोन्या मत जाने पना में लिए, छुट्टी के दिन पूरे हो गए तेरे अपने न थाम लिए, इसी रकम की चाहना कोन्या मत जाने पना में लिए, पूरे हो गए तेरे अपने न थाम लिए, अपने भाई का मेहर सिंह की रागनी पे नोट उड़ रहे, नोट शर्म कर ले, आपकी शादी हो रही है, आप जाते हो अपनी घरवाली को छोड़ के, ड्यूटी करनी पड़ेगी, जला गया होगा तो मौज में करनी नहीं पड़ेगी। सच कह रही हूँ, रुक जाओ, तू एक काम कर, सुन मैं जाऊँ सुतू भाईया धो रहे जा, और के करा फौजन का नहीं हुआ करना है मानती, इसे ही सही तेरे घर बिगड़वा रहे हैं। अच्छा सुजल समझ जा मेरी बात ना भाई, अपनी तो ले बैठा है तेरी और छुटवावेगा ये हो गया, जब देवर जेठा मनु आ रहा है कौन पता है इनके बिना अनु उतने सुने, और कभी कभी ऐसा ना हो फौजी फौज में पड़ोसी मौज में देख ले, या अच्छी का बात लाई तू है। हाँ। फिर के बात से इतना बड़ा कुनबा है, तने सारे बर्तन लड्डू जले बैठे छकाए रखे, अरे बड़े कुनबे में मैं करूंगी क्या जब तू ही मेरे दोरे नहीं, देवर रे जेठ रे काका ताऊ भाई भतीजे कुटुंब कबीला और के लूटेगी तू, मेरी बात सुन ले, सुन ले, सुन ले।
बड़े बुजुर्ग बैठे नौजवान एक एक बोल सुनना पेट की खातर मानस ने के करना पड़े है और फौजी ने तो घनी समस्या उठनी पड़े देखे पेट की खातर हर सब कुछ चाहिए रे पेट की खातर सब कुछ चाहिए जे ढंग ताना चाल सुबक सुबक कै हर रोवे मतना सुनिए सुबक सुबक कै हर रोवे मतना हम मेरा काल जा हाल से एक लीन छोड़ के जा मेरे गल में फांस गाल से क्यों करे जिंदगी राम हवाले छह महीने में छुट्टी काट का और नहीं आया तो इस देश की खातर भी करना पड़ेगा। एक बात बता रही हूँ पिया जी, अगर तू नहीं आया मेरे दौरे छह महीने के भीतर भीतर तो सल्फाज की गोली लेकर खा जाऊंगी। यो काम मना करिए भगवान साले हो जाएंगे छह महीने में आ जाएंगे मर जाऊंगी फिर मैं ना। अगर एक बात कही है अगर बिनाई में मरवा दे निर्भाग लगाई हो से और दुनिया के मां मर्द जाम की लाग लगाई हो से बड़े बड़े योद्धाओं को जन्म देती एक औरत नाश का कारण भी एक औरत बन जाती। अक 16 श्रृंगार 32 आवरण जब या करके चल है बेहुदे नर मरे देख के हंस के घूंघट खुल है कुत्ते आला हाड वीर जीव अपनी काया छोले और घी शक्कर जू मेल मिले या अमृत में विष घोले और कोयल तभी मीठी बोला काग लुगाई हो से दुनिया के मां मर्द जाम की लाग लुगाई हो से तेरे क्यों कर आम सारी रात एक ली सो क्यों कर दिल समझा लू जय दिल ना समझ आया जाते जय दिल ना समझ आया जाते शौकीन निगम निगम पार्षद और 1100 रुपए नवीन शौकीन 2200 रुपए रागनी पे खुश हो गए। एक बार जोरदार तालियां भाइयों धन्यवाद। अब तो पैसे भी आ गए अब क्यों जा रहा है मुझे छोड़ के।
के। देख भाई पैसे अपनी जगह है, हमारा भाईचारा इतना रहता है जब तक शौकीन परिवार है, सारा कुनबा शौकीन परिवार के जितने भी यारे प्यारे रिश्तेदार हैं, तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, तू मेरे दौरे रह बस। देख मेरी बात सुन, तू मुझे देखता रह, मैं तुझे देखती रहूं। कामना साझा करे, यो कुनबा है जमींदारी का काम भी है, नौकरी भी करनी पड़ेगी, बार भीतर के काम भी करने पड़ेंगे, कुनबे में सारे डाल के मानस होया करे। देव और जेठ तेरा मौज, मेरी बात सुन ले। कह दे, सुन ले भाई, सुन ले। बहुत शुक्रिया करनी चालिया करता है, जब तक वीर मर्द एक दूसरे की बात नहीं मानेंगे करनी बस सगा। मेरी बात सुन ले, सुनो सुना दे। तू और कहे मैं और कहूं, तू और कहे मैं और कहूं, सुनो भाई लोगों क्या लिखा है चौधरी साहब ने, अक गोड्डे दे छाती पर चढ़ गया यो पप्पी इस कसाई। आपके बिना तो एक एक रात एक एक साल के बराबर है। बोल सुने, हाँ इस पप्पी इसके कसाई पे, ओ पप्पी इसके कसाई पे, तू अब गेरे लगा हमें लिए किसने ले। अच्छा यूं कह रहा, क्या कह रहा है, इस पप्पी इस कसाई पे तू आप पे गेर लगाम लिए। अच्छा किसने ले उंगी साथ में, मेरे पास तो कोई बच्चा भी नहीं है। ये कहना चाहो एक बार और कह दे, इस पप्पी इसके कसाई पे, पप्पी इसके कसाई पे, तू आप पे गेर लगा हमें लिए किसने ले। सुन ले, छह महीने मालूम जब तू ही पर नहीं देखेगी चीज ने, फिर आगे का क्यों परेशान लगा। मेरी सखी सहेली को देख, किसी के दो बच्चे, किसी के चार, किसी के दस, और किसी ने तो पूरी क्रिकेट टीम बना रखी है। हाँ देख ले, ₹100 दो, ₹100 में तो मेरे होठों की लिपस्टिक भी नहीं आने की, बहुत कम है जी मेरे लिए ₹100। एक दिन के नाम की ताई जागी ना जी, ₹200 से एक बात बता, छोड़ के फौज पे। मैं मानती हूँ पियाजी कि आपका अपने फौज के लिए, उस देश के लिए, अपने देश के लिए भी बहुत सारी जिम्मेदारी है, पर मैं भी आपकी जिम्मेदारी हूँ, मैं भी आपकी पत्नी हूँ, आप ही मेरा ध्यान नहीं रखोगे तो मेरा कौन ध्यान रखेगा।
कैसे क्या लिखा चौथी बात में? आखिरी बात में सुन लो, देखे तुरंत काली प्या दिखे से, ओ तुरंत काली प्या दिखे से, आके का ख्याल करया को दोष मेरा कोया। थाली बैठ के देखे थाली बैठ के खावांगे, थाली बैठ के खावांगे, कुआ जोड़ भरा कोहरे। चाट मेहर सिंह इन वीरों ने मरदा बिना सरया कोया, दुख भोगे सुख होया करे सुख होया करे से।